रहमानी रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 का, दैट इज़ रिलेटेड टू सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और यू कैन नेम इट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इससे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन है ऊपर, डिफाइन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट। तो ये देख लेते हैं सिस्टम क्या है हमारे पास। सिस्टम इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स दैट वर्क विद ईच अदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। डिफरेंट प्रोसीजर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क इन द सिस्टम। अ प्रोसीजर इज़ अ सेट ऑफ स्टेप परफॉर्म्ड इन अ रेगुलर एंड स्पेसिफाइड ऑर्डर टू अकम्पलिश अ टास्क। फॉर एग्जाम्पल, द रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट इज़ अ प्रोसीजर इन एन एजुकेशन सिस्टम। तो बेसिकली इसमें यह बताया जा रहा है कि जब भी कोई सिस्टम बनाया जाता है उसका पर्पज़ क्या है। उसका पर्पज़ होता है कि वो कोई स्पेसिफिक टास्क करे। फिर वो स्पेसिफिक टास्क कैसे करवाया जाएगा कोई प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। नेक्स्ट चीज़ है जी, कंपोनेंट्स क्या होंगे जब कोई सिस्टम बनेगा। तो जब भी कोई सिस्टम बनता है उसमें कोई ना कोई हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, यूज़र्स होते हैं उस सिस्टम को यूज़ करने वाले, उस सिस्टम को सेटअप करने वाला होता है कोई, और उस सिस्टम में जो इंफॉर्मेशन जिसे डील की जा रही होगी वो डाटा या इंफॉर्मेशन जो है वो होता है। नेक्स्ट है जी SDLC। इस SDLC की एब्रीवेशन है जी हमारे पास सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। आप सिस्टम का वर्ड यूज़ करें या आप सॉफ्टवेयर का यूज़ करें, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। फेजेस जो हैं वो दोनों के अंदर ही सेम होते हैं। SDLC क्या है? सेट ऑफ डिफरेंट स्टेप्स हैं जो हम परफॉर्म करते हैं किसी सिस्टम को डेवलप करने के लिए। यानी अगर आपने एक सिस्टम बनाना है तो ऐसे ही रैंडम नहीं बना लेना, आपने एक ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ डेवलपमेंट यूज़ करना है ताकि सक्सेसफुली सिस्टम जो है वो बन सके। तो डिफरेंट फेजेस हैं SDLC के, जिसमें हम पहले दो फेजेस को डिस्कस करेंगे। पहला फेज़ है जी प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। प्रीलिमिनरी का मतलब होता है इनिशियल, इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, ढूंढना। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो फर्स्ट फेज़ है आप किसी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का। इस फेज़ में जो सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं उसे हम इन्वेस्टिगेट करते हैं ताकि हमें पता लग सके कि क्या क्या हमने बनाना है। पहली चीज़ जो हम प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में करते हैं वो करते हैं जी सिस्टम की आइडेंटिफिकेशन, कि हमने बनाना क्या है। हमने कॉलेज के लिए सिस्टम बनाना है, हॉस्पिटल के लिए बनाना है या किसके लिए बनाना है। फिर उस सिस्टम का स्कोप क्या है, स्कोप का मतलब होता है इम्पोर्टेंस, उस सिस्टम की इम्पोर्टेंस क्या है। फिर अगर एक सिस्टम, जिस सिस्टम को हम बनाने जा रहे हैं क्या उसे बनाने के एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल हैं या नहीं। फिर फिसिबिलिटी स्टडी करना, इन स्टेप्स को हमने वन बाय वन जो है वो डिटेल में भी देखना है। फिसिबिलिटी स्टडी का मतलब होता है इस चीज़ को इंश्योर करवाना कि जो सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं वो पॉसिबल है, वो सिस्टम जब बनेगा वो यूज़र्स उसे यूज़ कर सकेंगे, और वो सिस्टम जो है वो बजट में है, बजट के अंदर ही बन सकता है। और फिर जब ये सारे काम हम कर लेते हैं तो हम एक प्रिलिमिनरी प्लान को तैयार कर लेते हैं, जिसके बाद काम आता है जी सिस्टम एनालिसिस का। सिस्टम एनालिसिस के फेज़ में करंट बिजनेस सिस्टम को स्टडी किया जाता है डिटेल में, ताकि इस चीज़ को ढूंढा जा सके कि पहले से जो सिस्टम जा रहा है उसमें ऐसी क्या कमियां थी जो अब न्यू सिस्टम बनाने हम जा रहे हैं उसमें हमने ऐड करवानी है। तो नीड एनालिसिस कराना कि सिस्टम को बनाने की ज़रूरत क्या है, फिर डाटा को इकट्ठा करना, उस सिस्टम को बनाने के लिए जो डाटा चाहिए उसे इकट्ठा करना है, फिर उस डाटा को एनालिसिस करना, फिर एनालिसिस रिपोर्ट बनाना। तो डायग्राम पे देखें जी, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हम सिस्टम एनालिसिस पे चले जाते हैं, और सिस्टम एनालिसिस वाले फेज़ में अगर कोई काम ऐसा है जो हमें लगता है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में रह गया है तो फिर हम दोबारा से प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन वाले फेज़ में जाते हैं, और जो काम प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में लिखे हुए हैं जैसे कि सिस्टम आइडेंटिफिकेशन, स्कोप, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, फिसिबिलिटी स्टडी और प्रिलिमिनरी प्लान, जो चीज़ मिसिंग रह गई थी उसे दोबारा ऐड करते हैं और फिर एनालिसिस वाले फेज़ पे आ जाते हैं। इसके बाद हम करते हैं जी सिस्टम को डिज़ाइन। सिस्टम डिज़ाइन वाले फेज़ में लॉजिकल और फिज़िकल मॉडल तैयार किए जाते हैं आपके सिस्टम के। जैसे कोई घर या बिल्डिंग बनने से पहले उसका एक डमी मॉडल तैयार कर लिया जाता है। तो जो सिस्टम का डिज़ाइन है वो ये बताता है, न्यू सिस्टम जो है वो हमने एनालिसिस वाले फेज़ में जो नीड्स एनालिसिस की है ना, नीड आइडेंटिफाई की है, उन एनालिसिस को आपका सिस्टम जो है वो किस तरह से पूरा करेगा। जब डिज़ाइन बन जाता है, और डिज़ाइन हमारे पास दो तरह के बनाए जाते हैं, एक लॉजिकल और एक फिज़िकल, उसके बाद कोडिंग की जाती है उस सिस्टम को,
यानी जो हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं ना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो लिखी जाती हैं। फिर कोडिंग वाला फेज़ जो है वो राइटिंग प्रोग्राम से रिलेटेड होता है। सिंगल प्रोग्रामर या प्रोग्रामर की एक टीम जो है वो सॉफ्टवेयर्स बनाती है, और इस फेज़ में जो है वो टाइम भी लगता है, एफर्ट भी लगती है और बजट भी लगता है, क्योंकि ये मेन फेज़ है जहाँ पे आपका सिस्टम बन रहा है। जब सिस्टम बन गया, उसकी कोडिंग हो गई, फिर काम आता है उसकी टेस्टिंग करवाने का। तो पूरे सिस्टम की जो टेस्टिंग है वो बहुत ज़रूरी है। सिस्टम को जो है वो टेस्ट किया जाता है ताकि उसमें एरर्स को ढूँढा जा सके और रिमूव कराया जा सके, और सिस्टम को टेस्ट किया जाता है सैम्पल डेटा को दे के। अगली चीज़ है जी इम्प्लीमेंटेशन। जब कोडिंग हो गई, टेस्टिंग हो गई, तो फिर उस सॉफ्टवेयर को, सिस्टम को जो है वो यूज़ करवाना। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो हमने चैप्टर वन में पढ़े थे, जब सॉफ्टवेयर भी बन गया, हार्डवेयर भी बन गया, उन्हें यूज़ करवाना। सिस्टम जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से इम्प्लीमेंट हो सकता है। जिस सिस्टम को आप जिस भी तरीके से इम्प्लीमेंट करोगे, उस चीज़ को हम कहेंगे कि सिस्टम जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, सिस्टम कन्वर्जन हो रही है। और ये सिस्टम कन्वर्जन चार तरीक़ों से हो सकती है, या डायरेक्ट तरीके से, या पैरेलल, या फेज़, या पायलट। ये भी हमने डिटेल में जो है वो इस चैप्टर में पढ़ने हैं। लास्ट जो चीज़ है वो है जी मेंटेनेंस का। जब कोई चीज़ कंपनी बना के कस्टमर को दे देती है, जब हम चीज़ खरीद के घर ले आते हैं और हम उसे चलाते हैं, तब अगर वो सही तरह नहीं चल रही, तो फिर काम आता है मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वर्किंग को चेक किया जाता है। मेंटेनेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। मेंटेनेंस को में क्या क्या किया जाता है, करेक्ट की जाती है प्रॉब्लम्स अगर कोई सिस्टम में आ जाए। सिस्टम को अपडेट किया जाता है, जैसे व्हाट्सएप में जो है वो अपडेट्स आ रही हैं, जैसे न्यू अपडेट आई है ना, न्यू चैनल को चैनल्स ऐड हो गए हमारे व्हाट्सएप के अंदर, यूट्यूब के, या फिर वर्किंग को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो डायग्राम को देख लें, इन्वेस्टिगेशन, एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ तक जितने भी फेजेस हैं हम एक फेज से दूसरे पे मूव कर सकते हैं। लेकिन जब चीज़ बन गई, जब इम्प्लीमेंटेशन हो गई, तो फिर सिर्फ और सिर्फ जो है वो मेंटेनेंस का काम ही हो सकता है। इसके अलावा कोई भी काम जो है वो हम सिस्टम के ऊपर परफॉर्म नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम हर फेज़ को डिटेल में देखेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आपने एसडीएलसी के फेजेस याद करने हैं, आपने एसडीएलसी को जो है वो डिटेल में याद करना है।